वीडियो में मैं आपको गले का डिजाइन बनाना बता रही हूँ। इस डिजाइन को आप अपनी कुर्ती पर, सूट पर या ब्लाउज के बैक गले पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम बुकरम पर गला काटते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको मैंने इस तरह से डबल किया हुआ है। और अब हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। मैं इस पर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आप गले छोटे पहनते हैं तो आप ये निशान 2.5 इंच पर लगाएं। और इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 7.5 से 7.5 इंच तक आप इसकी लंबाई ले सकते हैं। और इधर भी हम एक 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और ये निशान लगाने के बाद हम इतना सिलाई के लिए छोड़ देते हैं। करीब इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। और यहां से करीब 4 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से इस शेप में और इसको कुछ स्वीट हार्ट शेप में हम बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर हम करीब 1/2 इंच से थोड़ा ज्यादा, बस 1 पॉइंट ज्यादा 1/2 इंच से इस तरह से निशान लगाते चले जाएंगे। निशान लगाने के बाद हम दोनों साइड से कटिंग कर देंगे इसकी। देखिए ये इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है हमारे गले की। और इस कटिंग के बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और इसको भी मैंने डबल किया हुआ है। और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे, यहां से इसको इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर से भी, और इसके ऊपर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद हम यहां पर एक कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। और इस कपड़े को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये निशान दूसरी साइड भी आ जाए। और देखिए ये निशान इस तरह से लगने के बाद हम इन निशानों के ऊपर बिल्कुल इस तरह से बराबर मिला के ये बुकरम रखेंगे और यहां इसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। और ये कपड़ा हम उल्टा रखते हैं सिलाई लगाने के बाद हम इसको थोड़ा बाहर बाहर से इस तरह से काटते हैं गले को। और इसके बाद ये चारों तरफ से थोड़ी बाहर कटिंग करने के बाद हम जो जहां से ये थोड़ा गहरा कटा हुआ है वहां हल्के हल्के से दोनों साइड इस तरह से कट लगाएंगे। इसको हम गले को इस तरह से अंदर की साइड को मोड़ते हुए किनारे से थोड़ी दूरी पर इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इसकी। इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इसके बीच में एक कट लगा देते हैं इस तरह से। और इसके बीच में हम एक निशान लगा देंगे। ये इसके बीच में मैंने जोड़ लगाया हुआ है। ये कपड़ा थोड़ा कम था तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको भी मैंने डबल किया हुआ है और उस पर हम सीधी तरफ निशान लगाएंगे। इसको मैंने सीधा फोल्ड किया हुआ है और इस पर भी पहले हम बीच में इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे और बीच में एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और अब हम अपने गले को कुर्ती के ऊपर रखते हैं इस तरह से। कुर्ती हमारी सीधी है और ये गला हमारा इस तरह से उल्टा रखा हुआ है और इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे इस तरह से सीधी। और ये सिलाई लगाने के बाद हम अपनी बुकरम के बराबर बराबर में
चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगानी है हमें। और ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट लगा देते हैं इस तरह से चारों तरफ। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और उसके बाद हम अपने गले को उल्टी तरफ को इस तरह से पलट लेते हैं। और इसको इस तरह से उल्टी तरफ को पलटने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से किनारे से थोड़ा सा हटके गले के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं चारों तरफ को। ये गले के चारों तरफ मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम एक और पट्टी काटेंगे। और मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया हुआ है, आप चाहे तो उसी कलर का कपड़ा लगा सकते हैं और चाहे तो किसी दूसरे कलर का लगा सकते हैं। और इस पर इस तरह से पहले हम एक तिरछा निशान लगाएंगे और पट्टी काटने के लिए। और ये पट्टी हमें इतनी काटनी है कि हमारे गले पर चारों तरफ आ जाए और करीब 1.5 इंच के आसपास हमें ये पट्टी काटनी है। 1.5 से 1.75 इंच तक आप इसको काट सकते हैं। बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और अब हम इस और पट्टी को बीच में से मोड़ के इस तरह से सिलते हैं। पहले हम इस पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे सीधी एक, और फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसको दबाते हुए हम पूरी पट्टी को इस तरह से सिलेंगे। और उसके बाद हम इस पट्टी को जिस साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगाई हुई है उस साइड से हम किसी भी चीज से इस तरह से उस पट्टी को सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद इस पट्टी पर हम प्रेस कर लेंगे। पट्टी पर इस पर हम प्रेस करने के बाद बिल्कुल बीच में इसके हम एक सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई हमें बिल्कुल बीच में लगानी है इसके। और पूरी पट्टी पर इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। और देखिए बिल्कुल बीच में इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको दूसरी साइड से जो हमने इसकी साइड सिली हुई है उसको भी इस तरह से काट देते हैं। फिर हम ऐसा एक गोल नाड़ा लेते हैं। ऐसे नाड़े के डिजाइन की मैंने दूसरी वीडियो भी अपनी चैनल पे डाली हुई है। और उसको हमें एक सेफ्टी पिन में छोटे में इस तरह से डालते हैं। और आप चाहे तो इसे सुई से भी कर सकते हैं, मैंने उसमें बताई हुई है अपनी वीडियो में। और हम दोनों साइड इस तरह से जो हमने सिले हुए हैं उसमें इस नाड़े को इस तरह से हम डालते हैं। एक साइड मैंने इसके नाड़ा डाल दिया है इधर से और इधर से भी। हम इस पर दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा देंगे डाल के, दोनों साइड के नाड़े। और दूसरी साइड का भी नाड़ा हमें इसी तरह से डालना है। देखिए दूसरी साइड का नाड़ा भी हम इसी तरह से डालते हैं। देखिए ये दोनों साइड इस तरह से नाड़ा डालने के बाद हम दोनों सिरों पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि ये नाड़े हमारे बाहर ना निकले। और ये नाड़े हमें गोल ही चाहिए, एक फ्लैट होते हैं और एक गोल होते हैं, तो एक गोल नाड़े हमें डालने हैं। और उसके बाद हम अपना गला लेते हैं और जो हमने वो नाड़े डाल के पट्टी बनाई हुई है उसको लेते हैं और बिल्कुल अपने गले के किनारे से इस तरह से हम मिला के उसको रखते हैं यहाँ पर इस जगह से। और जो हमने वो बीच में सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर हम इस तरह से रखते हुए और इस तरह से किनारे पर मिलाते हुए इस तरह से हम उस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे।
और जब हम यहाँ पर बीच में आएंगे इस जगह पर, तो यहाँ से हमें ये इस तरह से मोड़नी है ऐसे, यहाँ इस तरह करके, और इसको इस तरह से उठा के इस तरह से हमें लानी है। और देखिए ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बीच में हम यहाँ पर तुरपाई कर देते हैं चारों तरफ, और यहाँ पर ये इस जगह यहाँ से भी मैंने इस पर ये पक्का कर दिया है, और इसको फालतू के डोरी को हम काट देते हैं। देखिए इस तरह हमारा गला तैयार हो गया है। और अगर आपका जैसे मेरा बिल्कुल सटे हुए आ रही है दोनों डोरी, और अगर आपकी थोड़ी बहुत ये लूज आती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और लूज आने पर ये थोड़ी बीच में इनके जगह दिखाई देगी, और जो जगह दिखाई देगी इसमें आप स्टोन या कोई मोती वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One.